इंडिया और चाइनीज ट्रूप के बीच भयानक झड़प के बाद हमारे 20 बहादुर सोल्जर शहीद हो गए, उसमें एक कर्नल रैंक के भी ऑफिसर थे। यह झड़प 15 जून की रात को तब हुई जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिक के लगे टेंट को हटाने गए जो भारतीय सीमा के अंतर्गत थे, तो चीनी सैनिकों ने इसे हटाने से साफ मना कर दिया और लोहे के रड और कटीले तारों से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले का जवाब भारतीय सैनिकों ने भी डट कर दिया। इसी हताहत में भारत के 20 बहादुर सोल्जर शहीद हो गए और चाइना को भी भारी भरकम का नुकसान पहुंचा। लेकिन चाइना तो चाइना है, ना ही वो कोरोना पेशेंट का सही आंकड़ा बताया है और ना ही कितने सोल्जर उनके मरे वो बताएगा। चलिए हम यहाँ ताइवान की बात करते हैं जो चाइना को अपना दुश्मन मानता है। ताइवान के इस न्यूज चैनल ने इस झड़प को एक अनोखे रूप में दिखाया है। इसमें भगवान राम को तीर धनुष के साथ ड्रैगन, जो कि चीन को प्रतीत करता है, उसमें तीर चलाते दिखाया गया है और इसमें लिखा है वी कनकर वी किल, मतलब ये हम जीतते हैं हम मारते हैं। यह चित्र हांगकांग के सोशल मीडिया साइट LIHKG पर पोस्ट किया गया था। इसके बाद क्या था, ट्विटर पे ताइवान ट्रेंड करने लगा, जिसमें भारतीय यूजर ने ताइवान को तहे दिल से शुक्रिया किया। ये 1967 के बाद का सबसे भयानक टकराव था। 1967 में नाथुला में इंडिया ने 80 बहादुर जवान खोए थे जबकि चाइना ने 300। अतः मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितना भी हो सके चाइना पे डिपेंडेंसी कम करें, ताकि हम अपने देश को चाइनी प्रोडक्ट से, जो कि एक घटिया माल है, उससे बचा सकें। इसी के साथ मैं सुमित अलविदा लेता हूँ। जल्द ही किसी अन्य टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।